करंट इफेक्ट। मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। द फिनोमेना ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। Is known as sending end voltage at no load condition, at no load or light load condition. Is known as Faraday effect. चलो देखिए जरा प्लीज, फेरेंट इफेक्ट क्या होता है। कोई भी लॉन्ग या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो हमारे पास, उसमें अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा आ जाए, मान लीजिए 100 वोल्ट भेजा और मिल जाए 110 वोल्ट या 120 वोल्ट, और ये जो होता है नो लोड या लाइट लोड कंडीशन में होता है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरेंट इफेक्ट बोलते हैं। ये क्यों होता है ये हम एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर। देखो जरा प्लीज, मान लीजिए नॉमिनल पाई मॉडल मानते हैं, कंसिडर नॉमिनल पाई मॉडल। उसमें हमारे पास क्या होता है, यहां पर जेड है और यहां पर वाई बाई टू, यहां पर हमारे पास क्या होता है वाई बाई टू, क्लियर। यहां पर हमारे पास रिसीविंग एंड वोल्टेज और करंट कौन सी, रिसीविंग एंड करंट। यहां पर हमारे पास सेंडिंग एंड करंट, वोल्टेज सेंडिंग एंड, ठीक है। अब जेड क्या है हमारे पास, आर प्लस जे एक्स, यही है। और वाई क्या है, जे ओमेगा सी, यही है, ठीक है। तो एक बात बताइए जरा प्लीज, अगर नो लोड कंडीशन है, मान लो लाइट लोड कंडीशन है, तो रिसीविंग एंड करंट कितनी होगी, जीरो। तो रिसीविंग एंड करंट जीरो होगी, तो यहां पर हमारे पास जो होगा, यहां से जो करंट आएगी सेंडिंग एंड करंट, यहां से मान लो आई करंट आ गई, तो यहां से कौन सी करंट जाएगी, केवल आई करंट ही जाएगी। रिसीविंग एंड करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वी एस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है बताओ, वी आर। तो वी आर इक्वल टू क्या होगा मुझे बताओगे, है ना, बताइए। वी आर इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू होता है वी वाई ना, ठीक है। आई इक्वल टू हो जाएगा वी आर इंटू वाई बाई। एक बात बताओ, y बाई टू की वैल्यू क्या है, j ओमेगा c, j ओमेगा c वी आर इंटू जे ओमेगा सी। तो ये जो करंट जा रही है ये किस में से जा रही है, कैपेसिटर में से जा रही है। तो इस करंट को क्या बोल देता हूँ मैं, IC। तो ये क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू वी आर इंटू जे ओमेगा सी बाई टू। तो ये हो जाएगा IC इक्वल टू वी आर ओमेगा सी बाई टू, है ना, जे ओमेगा सी बाई टू। आई आर इक्वल टू जे ओमेगा सी वी आर बाई, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज, मुझे क्या पता करना है, सेंडिंग एंड वोल्टेज पता करना है। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा, इसमें लूप में इक्वेशन लगाता हूँ, वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस आई सी इंटू जेड, ठीक है, वी आर आई सी इंटू जेड। वी आर को रेफरेंस मान लेते हैं, वी आर एंगल जीरो, और आई सी क्या होगी हमारे पास, ये आई सी
जो भी होगी आर प्लस जे एक्स में ये रखते, ठीक है, वी आर एंगल जीरो, आई सी आर आर के साथ एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, आई सी एक्स एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि वी आर गिवन है और मुझे क्या पता करना है, वी एस पता करना है, तो मैं रेफरेंस किसको मान लेता हूँ, वी आर को। तो ऐसे देखिए जरा प्लीज, वी आर को मैंने रेफरेंस मान लिया, अब उसमें क्या ऐड करूं बताओ, वी आर को अगर रेफरेंस मान रहा हूं तो एक बात बताओ, आईसी जो है वो वीआर से कितने डिग्री से लीड करेगी, कैपेसिटर है ना, प्योर कैपेसिटर है, तो उसमें कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करती है वोल्टेज से बाई 90 डिग्री, तो आईसी किधर होनी चाहिए बताओ, ऊपर की तरफ। अब मुझे बताओ वीआर में क्या ऐड करना है, आईसीआर ऐड करना है, किस डायरेक्शन में, 0 डिग्री ऑफ आईसी, मतलब आईसीआर ऐड करना है वीआर में किस डायरेक्शन में, आईसी की सेम डायरेक्शन में, इधर आईसी की डायरेक्शन है तो हमारे पास वीआर में आईसीआर ऐड करना है, इधर ऐड कर दिया, क्लियर। उसके बाद हमें और क्या ऐड करना है, वीआर प्लस आईसीआर प्लस आईसीएक्स कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, आईसी की डायरेक्शन ये है, आईसी से 90 डिग्री पे इधर आ जाएगा हमारे पास, ये आईसीएक्स ऐड कर दिया। अब इन तीनों को अगर मैं कंबाइंड करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, वीएसआर, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, डेल्टा रहेगा। तो वी आर हमारे पास है वी आर एंगल जीरो, और वी एस हमारे पास क्या हो गया, वी एस एंगल डेल्टा। एक बात बताओ मैग्नीट्यूड वाइज देखो, वी आर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और वी एस का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है हमारे पास, कम आ रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो किससे कम है, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, पावर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल, ये जरूरी नहीं होता है कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, मैंने इसी में आपको पहले भी बताया मशीन के रेस्पेक्ट में कि हमारे पास पावर जो फ्लो होती है वो हायर एंगल से लोअर एंगल, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज का एंगल कैसा है, हायर है, पॉजिटिव है, और लोअर एंगल कौन सा है, 0 डिग्री हमने रिसीविंग एंड वोल्टेज माना, तो ये बात जरूरी होनी चाहिए कि सेंडिंग एंड वोल्टेज जो होना चाहिए वो रिसीविंग एंड वोल्टेज से लीड करना चाहिए, ये बात पक्की ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये इससे ज्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, ये तो बढ़िया फायदा लगता है ऐसा, तो कि भेज दिया हमने 100 वोल्ट और मिल गया ज्यादा, तो फेरेंट इफेक्ट में प्रॉब्लम क्या आती है वो समझिए जरा। जैसे मान लीजिए कि आपने ये ट्रांसमिशन लाइन है, आपने उसको डिजाइन किया इस तरह से कि आपके पास 11 केवी पे जनरेशन हुआ, 11/440 केवी आपने ट्रांसमिशन लाइन लगाई और बीच में पोल लगाए बहुत सारे, बीच में क्या लगा दिए, इस लाइन को ले जाने के लिए पोल लगा दिए, ठीक है। अब पोल पे क्या लगे हुए होते हैं बताओ, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की डिस्क लगी हुई होती है बहुत सारी, इस तरह से डिस्क लगी हुई होती है, ये डिस्क लगी हुई होती है। अब मान लीजिए कोई भी कंडक्टर अगर यहाँ से जाता है हमारे पास, तो हमने क्या क्या करते हैं, हर एक डिस्क को 11 केवी के हिसाब से डिजाइन करते हैं, मतलब हर एक डिस्क कितना, वैसे तो इंसुलेटर क्यों यूज करते हैं बताओ, क्योंकि देखो जरा प्लीज, इंसुलेटर इसलिए यूज करते हैं कि इंसुलेटर तो किस पे लगे होते हैं, पोल, पोल की क्रॉस आर्म पे, हम जो वायर ले आते हैं वो डायरेक्टली पोल पे नहीं लगा सकते, तो हम अगर पोल पे लगाओगे तो सारी करंट किधर चली जाएगी, ग्राउंड में, और वहां पे नियर बाई कोई भी पर्सन होगा तो उसको क्या लग जाएगा, झटका लग जाएगा, तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस आर्म से हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, इंसुलेटर डिस्क, और इंसुलेटर की डिस्क सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, कंडक्टर को, ठीक है, ताकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो किसके बीच में, पोल के बीच में और वायर के बीच में, इसलिए इंसुलेटर डिस्क लगाते हैं। लेकिन इंसुलेटर जो डिस्क होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि 11 केवी सहन कर सकता है, तो मान लो 440 केवी की लाइन है, यहां से कितने की लाइन आई, 440 केवी की, तो हमें कितनी डिस्क चाहिए बताओ, 40 डिस्क चाहिए, 40 डिस्क चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए नो लोड पे ये ऑपरेट कर रही है, हमने यहां पर तो 440 केवी दिया था, लेकिन यहां पर हमें बढ़ के मिल गया 480 केवी, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक डिस्क के एक्रोस अब क्या होगा, अभी वहां जाके अपन डिस्क तो बढ़ाने से रहे, लेकिन हर एक डिस्क के एक्रोस वोल्टेज क्या हो गया, मोर देन 11 केवी आ गया, तो अगर मोर देन 11 केवी आ जाता है तो डिस्क सहन नहीं कर पाएगी, तो सबसे ज्यादा जो वोल्टेज इम्प्रेस होगा वो नियरली जो डिस्क होती है कंडक्टर के उसके ऊपर
स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि पहली डिस्क के ऊपर स्ट्रेस बढ़ गया और वो ब्रेक डाउन हो गई डिस्क, वो ज़्यादा वोल्टेज नहीं सहन कर पाएगी, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा वोल्टेज किसको, सेकेंड डिस्क को। फिर वो ब्रेक डाउन हो गई तो वो वोल्टेज किसको ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड डिस्क को। इस तरह से हमारे पास पूरी हम इंसुलेशन डिस्क की जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और डायरेक्टली कनेक्शन हो जाएगा कंडक्टर का किसके साथ, पोल के साथ। तो इसलिए देखो ज़्यादा वोल्टेज जो है, हमें ऐसा लगता तो है कि बढ़िया है ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन ना तो हमें कम वोल्टेज चाहिए ना ही ज़्यादा चाहिए, ये दोनों ही प्रॉब्लम है। ये भी नहीं चाहते कि 100 KV भेजा तो 90 KV मिल जाए, क्योंकि हम वोल्टेज ड्रॉप नहीं चाहते, और ये भी नहीं चाहते कि ज़्यादा आ जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रियलिटी में है क्या बताओ, कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर कैपेसिटर। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो कैपेसिटर करंट है ना, ये किसके कारण हो रहा है, कैपेसिटर करंट के कारण हो रहा है। अगर मान लीजिए कैपेसिटर करंट ही नहीं फ्लो होती तो उसके ये जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो ज्यादा मिल रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, ड्यू टू द संट कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस का इफेक्ट खत्म करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, उसके पैरेलल में इंडक्टर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए इसके पैरेलल में इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूं, करंट इफेक्ट को सॉल्व करने के लिए, ये तो जेड है आपके पास, आर प्लस जे एक्स, यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी बाई टू, वाई बाई टू किया हुआ है, यहां पर भी हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी बाई टू, वाई बाई टू की जगह। अब यहां पर इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, एक रिएक्टर या इंडक्टर लगा दिया जे एक्स। तो यहां से मान लो आई एक्स करंट जा रही है और यहां से क्या जा रही है, आई से जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्टर की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि आई एक्स और आई सी एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट हो, एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो और ऑपोजिट हो। क्योंकि हमें पता है इंडक्टर में करंट किधर लैग करती है, वोल्टेज से लैग करती है 90 डिग्री से। अगर मान लीजिए इसमें मैं आई एक्स 90 डिग्री पे इसके ऑपोजिट में कर देता हूं तो आई सी और आई एक्स, यहां पर ओवरऑल करंट कितनी हो जाएगी, आई सी प्लस आई एक्स। अगर IC और IX एक दूसरे के इक्वल है और ऑपोजिट है तो यहां से करंट कितनी जाएगी बताओ, 0 एम्पियर। तो 0 एम्पियर करंट जाएगी तो यहां पर हमारे पास कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो VS इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, VR के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार VR प्लस यहां से जो करंट जाएगी I इंटू जेड, और इस बार जो I करंट जा रही है वो समेशन है किसका, IC और IX का, IC और IX, और IC और IX एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है और इक्वल है। तो ओवरऑल ये ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया क्या, तो इस तरह से हम करंट इफेक्ट को सॉल्व, लिखिए जरा प्लीज, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। ये 200 किलोमीटर 220 KV लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग एट नो लोड कंडीशन फाइंड आउट द नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज फाइंड आउट द नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 200 किलोमीटर 220 KV और कैसी लाइन है, लॉसलेस लाइन है, किस पे ऑपरेट कर रही है, नो लोड कंडीशन। अब देखो जरा प्लीज, हमारे पास क्या होता है, VS इक्वल टू क्या होता है, AVR प्लस VR ना। अब एक कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है हमारे पास, ये जनरेटर है, यहां से ट्रांसमिशन लाइन है, वो लोड को सप्लाई कर रही थी, लेकिन यहां पर लोड को हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो रिसीविंग एंड करंट कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिसीविंग एंड वोल्टेज यहाँ तो मिलेगा ना हमें, ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि करंट 0 जा रही है लेकिन हमें वोल्टेज जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट 0 हो गया, तो VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, AVR
नो लोड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या रहेगा, वी आर नोट। तो वी आर नोट की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या हो जाएगा बताओ, वी एस बाई ए। वी एस हमें गिवन है कितना, 220 kV। अल्टीमेटली आपको वी आर नॉट निकालना है, नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो उसके लिए क्या चाहिए बताओ, ए चाहिए। अब मुझे एक बात बताइएगा, 200 किलोमीटर की लाइन है, ठीक है, 200 किलोमीटर की लाइन है, तो उसको हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर कर दें 50 हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में, ऐसा बोला था हमने, 240 किलोमीटर। तो फॉर ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लेंथ कितनी कंसिडर करते हैं, 240 किलोमीटर, तो यहाँ पर लेंथ कितना है, 200 किलोमीटर, तो ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगी। तो हम जब नॉमिनल पाई मॉडल करते हैं या नॉमिनल टी मॉडल करते हैं, वहां पर ए की वैल्यू इक्वल आती है 1 + ZY/2। क्या आता है, 1 + ZY/2। तो अब मुझे ये देखना है जेड क्या होता है, जेड होता है हमारे पास आर प्लस जे ओमेगा एल। लेकिन ये बोल रहा है कि लॉसलेस लाइन है, तो लॉसेस जीरो होने के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एल। लेकिन जेड टोटल क्या होगा, जे ओमेगा एल इंटू लेंथ ऑफ लाइन, करेक्ट। और उसी तरह वाई क्या होता है बताओ, जे ओमेगा सी, तो वाई टोटल क्या हो जाएगा, जे ओमेगा सी इंटू लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। यहां पर रख लेता हूँ जेड टोटल वाई टोटल, जेड टोटल की वैल्यू क्या है, जे ओमेगा एल इंटू लेंथ ऑफ लाइन इंटू जे ओमेगा सी इंटू लेंथ ऑफ लाइन अपॉन टू। तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - ωs² L² LC अपॉन, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 - ωs² इंटू 1/√। देखो जरा एक बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ लाइन क्या होती है, 1/√LC। तो एक बात बताइए, 1/√LC होती है, तो अगर VC स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/LC। तो LC को किससे रिप्लेस कर दूँ, 1/VC² से, तो LC को रिप्लेस कर दिया मैंने 1/VC² से। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा 1 - ½ωL बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर। तो 1 - ½ ωs कितने हर्ट्ज की, फिर पावर लाइन कितने हर्ट्ज की होगी, 50 हर्ट्ज की होगी। ओमेगा कितना रखोगे, 2 π f, मतलब 50। लेंथ ऑफ लाइन कितना दिया हुआ है, 200 किलोमीटर, किलोमीटर में है ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको किस में लेना पड़ेगा, वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड में, तो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁵ kilometer/s इंटू स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ए आपके पास आएगा 0.978। ये आ गया, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ, वी आर नॉट इक्वल टू वी एस बाई ए, दैट इज 220/0.978, ये आ जाएगा 225 kV। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से फेरेंट इफेक्ट देख सकते हैं कि अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा बहुत कंसिडर भी करते हैं, लेकिन कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो उसके कारण क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, रिसीविंग एंड वोल्टेज नो लोड पे। तो अप्लाई तो भेजा तो कितना था, 220 kV, लेकिन मिल कितना रहा है, 225 kV। तो ये किसके कारण हो रहा है, करंट इफेक्ट का, लिख लो प्लीज़।